Hello everyone. This is Ashishan. This is a continuation video on cost sheet chapter. I hope everyone doing very well. So, in the last video, we have done first five questions. So, in this video, we are doing uh, the questions starting from the question number six. Now, let's read this question. Question number six: A factory produces a standard product. The following information is given to you.

in the form of uh, factory overheads, office overheads, selling and distribution expenses also given to you. factory overheads given upco that is based on 100% of direct labor and overheads, overheads are 10% of, of work overheads. then we have uh, information regarding the finished goods product also. so opening finished goods given upco, go, uh, 1000 in quantity and 60000 in amount. टोटल गुड्स प्रोड्यूस डी इयर दैट इज गुड्स टेन थाउजेंड एंड क्लोजिंग टू फाइंड आउटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉफिट मार्जिन इज यूनिफॉर्मली मेल टू योफिट ऑफ ट्वेंटी ओके यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वट वुड बी दिल्ली एंड uh, आपको ये बता रहे हैं डेट देर वर देर वाज नो वर्किंग प्रोग्रेस इधर एट द बिगिनिंग और एट द एंड दैट मीन्स ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग प्रोग्रेस आपका है ही नहीं सो so, उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है चलिए ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है कोई दिक्कत आनी चाहिए एंड uh, मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को पोस्ट करके आप इसको क्वेश्चन खुद ट्राई करो उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन को देखिए चलिए मैं इतने क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो देखिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना हुआ है तो हम पहले इन्फॉर्मेशन निकालेंगे रिगार्डिंग रोमेटेरियल कंज्यूम रो मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक देखिए कितने के बने टेन देन एटी फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड इन एंड विद्पल कंज्यूम्ड तो ये आपका आ जाएगा दट इज नाइन्टी वन थाउजेंड नाउ वी विल एड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल्सो जैसे आपको गिवन है डायरेक्ट वेजेस as well as other dead expenses dead which is the amount given kitna given 20000 and dead debt other debt expenses 10000 now with the help of these we will find out prime cost

डायरेट लेबर डायरेट लेबर कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड सो दैट मीन्स ऑफिस ओवरो ट्वेंटी थाउजेंड नाउ एड ऑफिस मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ओवर हेड्स बट आप शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें हंड्रेड परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड मैं ये आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज वी हैव नो इन्फॉर्मेशन फर्दर रिगार्डिंग ऑफिस दिकॉज वहाँ पर क्लियरलीफॉर्मेशन में दैट देर वॉज नो ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस एज वेल एज नो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस तो इसलिए मैंने इसको पूरा आउटर कॉलम में ही लिख दिया है देन ये आपका आपका अमाउंट हो गया दैट इज बोल फोर्टी वन थाउजेंड इसको क्या बोलेंगे हम वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है नाउ मूविंग अहेड द नेक्स्ट नेट एक्सपेंसेस दैट इज ऑफिस एंड एडमिशन ऑफर रेड वो कितना गिवेन आपको टेन परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट तो देखिए वर्क कॉस्ट कितना है आपका वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड सो दैट मीन्स ऑफिस एंड एडमिशन ऑफ रेट कितना हो जाएगा आपके फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सॉरी uh, सॉरी मैंने यहाँ पर ये ऑफिस लिख दिया यहां पर आएगा फैक्ट्री ओवर हेड ऑफिस टेन परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट दैट इज फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड अब इसका हम टोटल करेंगे वन लेख फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ये आपके पास क्या आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द फिनिश गुड्स सो so देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको वन थाउजेंड सॉरी इन वैल्यू दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड तो यहाँ ऐड करेंगे हम ओपनिंग फिनिश गुड्स अमाउंटिंग रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड एंड देन वी विल डिडक्ट क्लोजिंग फिनिश गुड्स जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने कि फिनिश गुड्स को हमें कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वन लाख फिफ्टी वन सॉरी वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पाई होगा ओवरऑल जितनी भी इस साल जितने गुड्स हुए हैं प्रोड्यूस हुए हैं कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज़ टेन थाउजेंड एंड क्लोजिंग कितना है टू थाउजेंड तो वो तो इस साल की कॉस्ट होगी नहीं वो तो नेक्स्ट पीरियड में काउंट होगी तो उसको हमें बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ये जो खर्चा आया है टोटल किस पे कितने पे खर्चा आया था कितने गुड्स पे आया था टेन थाउजेंड बिकॉज इतने ही गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं बट तो हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है टू थाउजेंड उसकी कॉस्ट हमें माइनस करनी है ठीक है ये आपका जाएगा थर्टी वन थाउजेंड ट्वेंटी बस अब हम सबका सम कर देंगे आपका आ जाएगा वन लैख फोर्टी थाउजेंड एटीन ये क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड लास्ट आएगा आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कितना है देखिए रुपीज़ टू यूनिट पर इनिट पर यूनिट सोल्ड कितनी कितने सोल्ड आउट किए देखिए वन थाउजेंड ओपनिंग में था टेन थाउजेंड पूरे साल जो है प्रोड्यूस हुआ एंड उसमें से टू थाउजेंड ने बाहर निकाल दिया दैट मीन्स कितनी यूनिट्स हमने सोल्ड की होगी दैट इज़ नाइन थाउजेंड सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कितना होगा टू मल्टीप्लाई बाय नाइन थाउजेंड एड करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज टू पर यूनिट दैट इज एटीन थाउजेंड ये आपका जगह कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल कॉस्ट दैट इज वन लैक फिफ्टी एट थाउजेंड एट्टीन टोटल कॉस्ट ठीक है अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा था आपसे हमें निकालना है कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन वो कितना रखना चाहती है ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस तो आपकी सेल कितनी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो वो पूछ रहे हैं देखिए बहुत ईजी है इसके कैलकुलेशन जैसे मान लीजिए टोटल कोच अभी एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए हंड्रेड रुपीज़ है ठीक है और वो जो है मान लीजिए सेल आपकी ट्वेंटी हंड्रेड रुपीज है तो पूछ रहे प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाना चाह रहे हैं वो ट्वेंटी रुपीज तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी एट्टी ये आपकी आएगी कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड ये आ जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस तो अगर सेलिंग प्राइस अगर हंड्रेड रुपीज है तो उसका ट्वेंटी परसेंट जो है कंपनी कमाना जा रही है बीस रुपये पर यूनिट के हिसाब से ट्वेंटी परसेंट तो इन कितना होगा एट्टी रुपीज ठीक है तो दैट मीन्स आपका जो कोच प्राइस होगा वो कितना परसेंट होगा आपका एट्टी परसेंट होगा ठीक है आप हंड्रेड परसेंट वैल्यू निकाल सकते हो इससे आप ठीक है तो ये आपकी हंड्रेड परसेंट वैल्यू जैसे आप कैसे भी निकाल सकते हो उसको आप वन लैख फिफ्टी एट थाउजेंड एट्टी है यह आपकी कितना परसेंट वैल्यू है एट्टी हंड्रेड एट्टी परसेंट है आप उसको हंड्रेड परसेंट निकालो बिकॉज हंड्रेड परसेंट आपकी सेलिंग प्राइस होगी तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो so, आपके तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी वन लैख नाइन्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड द डिफरेंस ऑफ दैट विल बी योर प्रॉफिट दैट इज थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट ठीक है या फिर इसको एक तरीके से वो कर सकते हो आप इसको प्रॉफिट को मान लीजिए आपका जैसे देखिए एट थाउजेंड एटीन इसका आप वन फोर्थ आप इसमें ऐड कर दो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा और फिर दोनों का ऐड करके आपके पास क्या जाएगा टोटल सेल्स ठीक है इसमें आपसे आपसे एक एक चीज पूछी दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है वो कैसे निकालेंगे देखिए टोटल सेल्स कितनी है वन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड इस साल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए मतलब इस साल हमने कितनी सेल करी है कितनी यूनिट सेल सोल्ड करी है नाइन थाउजेंड डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन फाइव पर यूनिट देट वुड बी योर फाइनल

जो है रुपीज फोर हंड्रेड एज ए स्क्रैप उसको सोल्व कर दिया ठीक है तो आपको पता है ये किसका पार्ट होगा फैक्ट्री में से भाई जब हम फैक्ट्री फैक्ट्री में क्या करते हैं हम रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट के दौरान ही जो है वो कुछ स्क्रैप जो बाहर निकलता है तो उसको वो चार सौ रुपये में उसको बेच दिया नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बोला हुआ है टेन परसेंट ऑफ द फिनिश कास्टिंग फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर of additional works overhead by charges to the ड बाइक चार्जेज on the एक्सटेंट ऑफ wages. देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको बुधाना समझिएगा देखिए सर सेकंड से, 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 पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि जो टेन परसेंट ऑफ द फिनिश कास्टिंग थे वो डिफेक्टिव पाए गए एंड उसको जो ठीक करा गया कैसे ठीक करा गया उसमें एडिशनल जो है वर्क ओवरहेड चार्जेस लगे एडिशनल मीन एडिशनल एक्सपेंसेस uh, uh, जो है चार्ज हुए जो कितना हुआ ट्वेंटी uh, तो इस पॉइंट को हम अच्छे समझेंगे फिर थर्ड पॉइंट पूछा हुआ है कि सॉरी बोला हुआ है कि दी टोटल ग्रोस आउटपुट ऑफ कास्टिंग डूरिंग दॉ रुपीजेंड टन एंड टू फाइंड आउट कास्टिंग्स पर टन अच्छा क्वेश्चन देखिएगा

particulars, details, amount. तो देखिए पहले हम कहेंगे रोमेल कंज्यूम्ड उसके लिए आपको क्या है देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन आपको प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑपनिंग स्टॉक देखिए कितना गिवन आपको सेवन फिफ्टी थाउजेंड परचेजेज एंड देन फाइव थाउजेंड क्लोजिंग सो सेवन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड दैट बी इन नेगेटिव सो ये आपके पास आ जाएगा रो मटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंटिंग रुपीज फिफ्टी टू थाउजेंड Then आपको डेट बेजिस भी गिवन है डेट बेजिस आपका अमाउंट है टेन थाउजेंड नाउ आफ्टर एडिंग ऑल वी विल गेट सिक्सटी टू थाउजेंड एज प्राइम कॉस्ट

that is 5200 इसके बाद आपको गिवन था आई थिंक uh, अच्छा कुछ नहीं गिवन है अच्छा फर्स्ट पॉइंट में लिखा होता है कि एज स्क्रैप स्क्रैप जो है सेल किया एट रुपीज फोर हंड्रेड तो उसको तो हम लेस करेंगे फैक्ट्री ओवर से ही लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप अमाउंटिंग रुपीज फोर हंड्रेड उसको लेस करेंगे देन सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है कि टेन परसेंट ऑफ दिनिश फिनिश कास्टिंग्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर मैनुफेक्चर फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट है एंड दे वर रेटिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क ओवर यानी कि एडिशनल जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवर जो है वो खर्चा हुआ कितना हुआ ट्वेंटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस ठीक है तो देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है टोटल गुड आउटपुट टो, कितना हुआ कास्टिंग्स कितनी पर्टिश हुई वन थाउजेंड ट्स इसको देखिए बहुत ज्यादा समझेगा देखिए पहले तो आपको अच्छे से पता है कुछ ये एडिशनल चार्जेस जो है वो यहाँ लिख दे दो मैं एडिशनल कॉस्ट ऑन डिफेक्टिव टंस देखिए इसको बहुत ज्यादा समझेगा देखिए ओवरऑल पूरे साल जो है वन थाउजेंड टन प्रोड्यूस हुए लास्ट पॉइंट पे भी था उसमें से देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या था कि टेन परसेंट ऑफ द कास्टिंग पर रिजेक्टेड तो उसी में से जो है टेन परसेंट जो कास्टिंग जो रिजेक्ट हो गई थी जिसके हमें चार सौ रुपये मिले थे ठीक है ये क्या था रिजेक्टेड तो कितने बचे नाइन टन उसके बाद इसमें से भी जो टेन परसेंट है वो डिफेक्टिव पाए गए तो इसका टेन परसेंट कितना हुआ नाइन्टी टन्स अब इसको रेटिफाई करने के लिए जो है क्या इसको रे, रे, रेटिफाई करने के लिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी ऑन दी प्रोपोर्शन ऑफ डेड वेजेस एडिशनल जो है खर्चा हुआ एज वर्क ओवरहेड आई रिपीट देखिए पहले आप देखिए कि पूरे साल कितने गुड्स जो हैं प्रोड्यूस हुए वन टन उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट था टेन परसेंट वो तो जो है स्क्रैप में निकाल दिया बाकी हाथ में कितना आया नाइन हंड्रेड अब उसमें से भी जो है नाइन हंड्रेड का टेन परसेंट जो है वो डिफेक्टिव पाए गए इज़ नाइन्टी टन उसको ठीक करने के लिए जो है कंपनी ने या फर्म में जो है फैक्ट्री में एडिशनल खर्चा किया गया ठीक है किसको ठीक करने के लिए नाइन्टी टन को ठीक करने के लिए अब सवाल उठता है कितना खर्च किया गया ट्वेंटी परसेंट ऑन द प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस ठीक है यानी कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए ना वो किस बेसिस पे है डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे ठीक है तो देखिए क्या मतलब उसका देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट था टेन थाउजेंड जिसको खर्च कितने गुड्स बनाने के लिए वन थाउजेंड बनाने के लिए डेट मीन्स खर्च कितना आया हुआ टेन रुपीज 10, पर टन रिपीट पूरे साल या पूरे पीरियड में कितने टन प्रोड्यूस हुए वन थाउजेंड ठीक है तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए वेजेस लेबर रखे होंगे उनको पैसे कितने दिए टेन थाउजेंड तो पर टन कितना खर्चा होगा रुपीज टेन पर टन ठीक है अब ओवरऑल कितना खर्चा होगा इसका मतलब अगर नाइन्टी टन डिफेक्टिव हुए हैं ये जो डिफेक्टिव हुए हैं तो दैट मीन्स इन पे कितना खर्चा हुआ होगा नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय टेन That इज नाइन हंड्रेड अब इसका जो ट्वेंटी परसेंट आएगा वो एडिशनल कॉस्ट ऑन डिफेक्टिव टर्म आ जाएगा आपका दैट इज अमाउंटिंग रुपीज वन एट्टी वो आपको यहाँ लिखना है अमाउंटिंग रुपीज वन हंड्रेड एंड एट्टी दैट्स इट तो बस अब आपको इनका टोटल करना है सेवेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट्टी यह क्या आ जाएगा आपका मैंने लिखने के स्पेस नहीं लिखा यह आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये अमाउंट क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड

टू थाउजेंड ट्वेंटी की बेस पे हमें जो है सॉरी टू थाउजेंड की बेस पे जो है हमें टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो है ख़र्चा निकालना है बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहे हैं चलिए देखते हैं इसको भी तो हमें जो है मटेरियल गिवन है एंड वेजेस गिवन है बट हमें फैक्ट्री ओवर गिवन है बट उसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो फैक्ट्री चार्जेस हैं वो बीस परसेंट से बढ़ गए ओके

कि प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे बेचें कि हमें जो सेम रेट जो मार्जिन हमें प्रॉफिट जो हमें टू थाउजेंड ट्वेंटी मिल जाए प्रॉफिट मार्जिन किससे बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ओके तो पहले एक बार हम टू थाउजेंड नाइनटीन का डेटा बना लेते हैं ताकि हमें फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी की एक पिक्चर मिल जाए कि हमें टू थाउजेंड ट्वेंटी में कैसे कैसे खर्च कर हैं तो क्वेश्चन करते हैं Number eight, Cost Sheet for the year ended two thousand nineteen. तो इसमें देखिए हमें कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूले कुछ लगाने नहीं है हमें तो सब कुछ ही गिवन है जैसे देखिए हमें गिवन है मटेरियल सॉरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अच्छा मटेरियल कंज्यूम दैट इज थ्री लैक

तो so ये जो टोटल आ जाएगा आपका दैट इज प्राइम कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इसका तो टोटल आ जाएगा दैट इज वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज सेवन लैख देन वी विल ऐड ऑफिस एंड एडमिशन ओवर दैट इज वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड

वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एंड सेवेंटी थाउजेंड यह आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज वन लैख टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड एड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी आपके पास सेल्स आ जाएगा ट्वेल्व लैक्स सिक्सटी थाउजेंड सो अभी हमने जो कॉस्च बनाई है वो बनाई है फॉर द ईयर टू थाउजेंड नाइन्टीन नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉस्ट वी विल वी नी टू फाइंड आउट ऑल द एक्सपेंसिस फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी देखिए हमें अगर आप देखो ट्वेंटी ट्वेंटी में हमको मटेरियल गिवन है वेजेस गिवन है बट फैक्ट्री ओबेट गिवन आपको कि फैक्ट्री ओबरेट जो है वो बीस परसेंट से बढ़ गए बट पता कैसे चलेगा कि इसका एग्जैक्ट अमाउंट है कितना बिकॉज देखिए अगर आप देखोगे फैक्ट्री ओबरेट्स यहाँ पर कितना वन फिफ्टी है आप, आपको अच्छे से देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किया अगर कभी आपने देखा हो कि जब भी हमें फैक्ट्री ओबेट कभी हमेशा अगर इन डायरेट वे में गिवन होता है कैसे गिवन होता है जैसे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन जैसे फिफ्टी परसेंट ऑन डायरेक्ट लेबर या हंड्रेड परसेंट ऑफ डायट लेबर दैट मीन्स फैक्ट्री ओवर बेसिकली अगर देखा जाए तो वो हमारे डायरेक्ट लेबर पर ही डिपेंड होते हैं क्योंकि देखिए जो लेबर ही हैं जो हमारे रो मेटल को फ्री गुड्स में जो कन्वर्ट करते हैं ठीक है so, सो हमारे जो मेनली जो खर्चे तो किसके होते हैं डायरेक्ट लेबर के जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसिज होते हैं और वही जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारे फैक्ट्री ओवर में काम हो जाते हैं ठीक so, है सो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री ओवर्ड आर बेसिकली बेस्ड ऑन डायरेट लेबर और डायड वेज सो अगर आप देखें टू में ये जो लिखा है अमाउंटिंग रूपीज वन फिफ्टी ये डेड वेज से कितना पोर्शन होगा उसका हम पोर्शन निकालेंगे ठीक है तो पहले एक बार हम वर्किंग नोट बना लेते हैं फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट ये किस पे बेस्ड है ऑन डायरेक्ट बेजिस देखिए कितना अमाउंट था फिफ्टी रेट टू थाउजेंड नाइनटीन वन फिफ्टी और डायरेक्ट बेजिस का अमाउंट कितना था टू लेख फिफ्टी थाउजेंड उसका बेज कहते कितना परसेंट होगा ये ये होगा आपका एट्टी परसेंट ठीक है That means, इस साल यानी 2020 में तो जो डैट वेजेस होंगे पहले उसको हम 80 परसेंट निकालेंगे ठीक है उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे जिसमें बोला हूँ ना कि एडिशन इस साल जो 20 जो है वो खर्चा हुआ 80 on तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवर इसलिए हमें इसको इस, इस बार ऐसे निकालना पड़ा ठीक है नेक्स्ट देखिए अगर आप देखो आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस देखो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस किस पे बेस होते हैं आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बेस के होते हैं सेल्स पे ठीक है तो अगर हमें देखिए पहले तो हमें सेल्स गिवन था तो हम इस बार हम सेल के बेस पर निकालेंगे हम ठीक है फिर उसके बाद देखिए आपको गिवन है सेलिंग एंड सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वो किस पे गिवन था आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो उसके बेस पर निकालेंगे तो पहले हम सबका बेस लेके निकाल लेते हैं सबके अमाउंट में सेकंड देखिए यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं सबका एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऑन ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कोस्ट सॉरी तो पहले हमने कहा लेते हैं एडमिन ओवरहेड। देखिए एडमिशन ओवर देखिए कितना था आपका अच्छा हमने तो यहाँ निकाल ही लिया हैं. में है देखिए एडमिशन कितना था वन सिक्सटी एट वोस कितना है सेवन लैख सो कितना होगा वन सिक्सटी एट डिवाइड बाई सेवन इसका परसेंट देखिए कितना आएगा दैट इज ट्वेंटी फोर परसेंट ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे दैट इज सेलिंग ओवर हेड सेलिंग ओवर हेड देखिए पहले कितना था वन हंड्रेड ट्वेल्व अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज सेवन लैक ये आपका आ जाएगा सिक्सटीन परसेंट एंड देन लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कितने कितने थे आपको सेवेंटी थाउजेंडो टेन परसेंट आ जाएगा आपका सेवनटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय सेवन लैख परसेंट सो so, हमने सबके बेस निकालिए वी विविल ड्राफ्ट कोच शीट फॉर द टू थाउजेंड ट्वेंटी इसकी बिना पॉसिबल नहीं है तो so, हम निकाली कोचशीट फॉर द ईयर एंडेड टू थाउजेंड ट्वेंटी तो देखिए पहला हमें क्या अग्रूमेंट था मटेरियल फोर थाउजेंड वेजेस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मटीरियल फोर थाउजेंड वेजेस टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड तो ये आपके पास क्या रहेगा प्राइम कॉस्ट टोटल हो जाएगा इनका आपका सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड इसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर देखिए हमने बेस निकाला था किसका फैक्ट्री ओवर का डेड वेजेस पे कितना था एट्टी परसेंट सो हम देखिए अब डेड वेजेस कितने हैं टू थाउजेंड फाइव उनका हम एट्टी निकालेंगे एंड देन फिर हम जो है ट्वेंटी परसेंट इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा वन थाउजेंड एंड एट हंड्रेड तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज एट थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड आफ्टर दैट वी विल एड एडमिशन ऑफर देखिए एडमिशन ऑवर किस बेस पे था आपका फैक्ट्री कोस्ट के बेसिस पे दैट इज ट्वेंटी फोर परसेंट था आपका फैक्ट्री कोस्ट कितना इस बार एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो वैसे ही करेंगे हम एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड का पहले हम ट्वेंटी फोर परसेंट निकालेंगे इसके बाद इसमें क्या चेंजेस आया था

ओवरहेड सेलिंग देखिए किस अगेन फैक्ट्री कॉस्ट कितना था देखिए पहले सिक्सटीन परसेंट तो पहले हम एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड का सिक्सटीन परसेंट निकालेंगे and after that we will add 12.5% and then this amount will comes to 1494 then add distribution overheads again these internet expenses are based on work cost so palikit

सबको ऐड करेंगे। ये आपका अमाउंट रहेगा ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी टू दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइनली वी विल ऐड प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट गिवन ही नहीं था बिकॉज प्रॉफिट हमें निकालना है वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन टू थाउजेंड नाइनटीन में था वही सेम आपका टू ट्वेंटी में होना चाहिए उसके बेस पे हम सेल्स निकालेंगे तो पहले के प्रॉफिट मार्जिन इन टू नाइनटीन की अगर बात करें तो देखिए पहले प्रॉफिट मार्जिन कितना था देखिए पहले प्रॉफिट कितना था टू ले 10000 सेल्स पे था दैट इज 12.60000 इट इज ये था आपका 16.67% परसेंट सेम कैलकुलेशन यहां पे करेंगे दैट हम सेल्स का सॉरी कितना था ये 16.67 था ना अच्छा तो यहाँ देखिए जरा एक बार छोटे से कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर सेल्स हंड्रेड है तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट हमारा राइट तो दैट मीन्स कॉस्ट कितनी होगी कॉस्ट होगी एट्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये होगी कॉस्ट प्राइस ये होगा आपका प्रॉफिट एंड ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस इसके बेस पर अब हम जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो देखिए देखिए अगर आप कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि अगर कोस्ट इतनी है ये कितना परसेंट होगा एट्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री हमें चाहिए सेल्स पूरा हंड्रेड परसेंट तो आपका अमाउंट रह जाएगा फिफ्टी वन फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन ये आपका आ जाएगा दैट इज

now moving ahead to the question number 9 now read the question number 9 the cost of manufacturing 5000 units of a commodity comprises material 2000 uh, sorry 20000 wages 25000 chargeable expenses 400 fixed overheads 16000 variable overheads 4000 for manufacturing every 1000 extra units of the commodity the cost of production increases as follows materials proportionately is 10% less than proportionately chargeable expenses no extra cost fixed overheads rupees 200 extra variable overheads 25% less than the proportionately we need to calculate the estimated cost of producing एट थाउजेंड यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी देखिए पहले फर्स्ट फेज में देखो आपको क्या किया बना है आपको कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग बनाए एज पर फाइव थाउजेंड यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस हैं उस पर इतना था खर्चा हुआ है उस तो सेकेंड फेज में आपको बदला हुआ है कि जैसे जैसे वन थाउजेंड एक्सट्रा यूनिट प्रोड्यूस होगी उस पर एडिशन इतना था खर्चा होगा और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एट थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस पर निकालना है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें देखिए नंबर नाइन तो हम भी देखिए इस क्वेश्चन को जैसे मैं तीन फेज में क्यों मैंने हम भी इसको है तीन फेज में करेंगे देखिए हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर फाइव थाउजेंड यूनिट्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज पर फाइव थाउजेंड यूनिट्स हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ मैनुफेक्चरिंग एज पर एट थाउजेंड यूनिट्स तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली कितना है एक्स्ट्रा कितना हो गया थ्री थाउजेंड यूनिट का सो हम एक्स्ट्रा खर्चा निकालेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट थ्री थाउजेंड यूनिट बस हम यही फॉर्मेट लेके चले तो हम लोग क्वेश्चन इजिल सोल्व हो जाएगा तो देखते हैं देखिए मटेरियल कितना है ट्वेंटी थाउजेंड पहले हम फाइव थाउजेंड कम्पलीट करेंगे पहले हमसे सारा जो डेटा लिखेंगे वो सिर्फ फाइव थाउजेंड यूनिट्स यूनिट लिखेंगे मटेरियल कितना के फाइव थाउजेंड वेजेस ट्वेंटी 25,000 फाइव थाउजेंड चार्जेबल एक्सपेंसिज फोर हंड्रेड देखिए चार्जेबल एक्सपेंस आगे कुछ लिखा नहीं है कि ये यह डेट एक्सपेंसिज है इन डेट एक्सपेंसेस है देखो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर देखिए फिक्स गिवन है यहाँ पर वेरिएबल गिवन दैट मींस अगर यहाँ पर ओवरहेड नहीं लिखा तो हम यहाँ पर एक एजामेशन बेस पर चल रहे हैं कि ये हमारे डेट एक्सपेंसेस हैं सो हम चार्जेबल एक्सपेंस को देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे ऐड चार्जेबल एक्सपेंसेस फोर हंड्रेड इन सबको ऐड करके आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड नाउ वी विल ऐड

एज वेल एज वेरिएबल ओवर हेड फिक्स ओवर देखिए कितना के मैंने आपको थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड सेट यह आपका टोटल रहेगा सिक्सटी 5400 अब हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे एक्स्ट्रा खर्च एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने कितना कितना खर्चा रहा है देखिए फॉर एवरी 1000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा द कमोडिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज एज फॉलोस मटेरियल प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है मटेरियल प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है तो देखिए कैसे करेंगे इसमें हम वर्किंग नोट बनाते हैं हम पहला है मटेरियल देखिए मटेरियल खर्चा हो रहा था ट्वेंटी थाउजेंड का कितने पे फाइव थाउजेंड पे दैट मीन्स पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा होगा फोर सो वन थाउजेंड पे कितना आएगा फोर थाउजेंड पर हमें कितने के लिए चाहिए थ्री थाउजेंड के लिए तो थ्री थाउजेंड में कितना आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है सो हम यहाँ पर लिख देंगे मटेरियल में कितना खर्चा का देखिए एडिशनल ट्वेल्व थाउजेंड सो एट थाउजेंड में कितना आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड सिंपल है सेम हमें वेजिस का करना देखिए वेजिस में क्या लिखा हुआ था कि वेजेस में इस बार जो टेन परसेंट लेस पॉपेशन नहीं हुआ कैसे करेंगे देखिए पच्चीस हजार खर्चा हुआ फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर 5 कितना हुआ? रुपीज फाइव सो थ्री थाउजेंड पर कितना होगा बट इस बार जो है टेन परसेंट कम परसेंटेज हुआ है तो दैटमीन्स टेन परसेंट लेस कर देंगे फिफ्टीन हंड्रेड में से लेस कर देंगे that means कितना खर्चा हुआ होगा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बस यही अमाउंट हम यहाँ ले देंगे थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल अमाउंट कितना ये थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट चार्जेबल एक्सपेंसिस पे कोई खर्चा नहीं हुआ तो इस पर कुछ नहीं हुआ तो टोटल कितना जाएगा ये फोर हंड्रेड आ जाएगा बस इन सब का टोटल कर देंगे अब तो यह आ रहेगा आपका टोटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड यह आ जाएगा सेवेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नेक्स्ट देखिए फिक्स पे जो है दो सौ रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ फॉर एवरी वन थाउजेंड एक्स्ट्रा हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड में कितना होगा सिक्स हंड्रेड सिंपल है तो ये कितना रहेगा सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वेरिएबल पे देखिए ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस परसेंट यूज़ हुआ तो देखिए कैसा होगा इसमें वेरिएबल ओवर में देखिए कितना खर्चा हुआ फोर थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव करेंगे कितना हो जाएगा ये पॉइंट टू फाइव सो थ्री थाउजेंड में कितना आ जाएगा दैट इज़ सेवन हंड्रेड एंड 50. यही होगा सॉरी इट्स पॉइंट एट सॉरी पॉइंट पॉइंट एट. एट. सो दिस विल बी टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड एंड कितना लेस प्रोपोर्शन इज व ट्वेंटी फाइव परसेंट सो ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट मीनस वन फोर दैट इज सिक्स हंड्रेड जो वो कम हो जाएगा सो एटीन हंड्रेड यूज हुआ फॉर थ्री थाउजेंड यूनिट्स, सो एटीन हंड्रेड आ जाएगा इसमें आपका थ्री थाउजेंड के अकॉर्डिंग टोटल कितना आ जाएगा फाइव थाउजेंड एंड एट हंड्रेड दैट से सबका टोटल कर देंगे आप बी नाइनटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड So this will be your final answer 93,300. Now moving to last question of today's lecture. That is question number 10. And this question is very, very, very important. So the answer is the key A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum, 100% capacity.

मैं आपको करेक्ट करके दूंग 50, so, -vale 50, annum, capacity, 10, in दे दूंगा इसको दिस विल बी फिफ्टी थाउजेंड तो सेमीवेयर कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस ऑफ टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज कैपेसिटी और पार्ट देर देखिए क्या बोल रहे हैं सेमीवेयर क्या बोल रहे हैं कि अगर फैक्ट्री जो है फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी काम करती है तो उस पर पचास हज़ार पर एन एम जो खर्चा होगा और एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना कब होगा जब टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कैपेसिटी ठीक है और पार्ट देर ऑफ यानी कि चाहे ट्वेंटी उसका पार्ट हो तो तब भी खर्च कितना होगा टेन थाउजेंड ही होगा फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर एंड नॉट फॉर ऑन स्टॉक इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड मैनेजमेंट डिजायर टू इन्श्योर अटन लैक फॉर दर इस बार आपको प्रोफिट गिवन एंड Work out the average selling price at the production management program indicate and they have desire to earn a profit of rupees 1 lakh. Then what would what what would be the selling price per unit produced? Next in, in 2020 the factory worked at 50% capacity for the first three months.

दे एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट डे वर्क एट एट्टी परसेंट कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग नाइन मंथस तो अब हमें जो डेटा बनाना है वह हमें इस तरह समानना है फॉर दर्स्ट थ्री मंथ दर्स्ट फॉर द रिमेनिंग नाइन मंथ एज पर देयर कैपेसिटी सो स्टार्ट करते हैं देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट काफी ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है सो so, ध्यान से दिखेगा Code sheet. पर्टिकुलर्स पहले बनाएंगे फॉर दी थ्री मंथ्स एंड फॉर रिमेनिंग नाइन मंथ्स तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि थ्री मंथ्स और नाइन मंथ्स में कितने कितना जो है गुड्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं तो पहले हम निकालेंगे फॉर थ्री मंथ्स देखिए हंड्रेड परसेंट में कंपनी कितना जो है फैक्ट्री जो है कितना प्रोड्यूस कर, कर रही है सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है फॉर दी हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी अगर तीन महीने काम करेगी तो कितने गुड्स प्रोड्यूस करेगी फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स निकाल लेगी बट तीन महीने तो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी काम कर रही है तो हम इसी का फिफ्टी परसेंट निकाल लेंगे दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ्स कंपनी कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स तो यहाँ पर लिखेंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स जो भी हम डेटा निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे थ्री मंथ्स के लिए एज पर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स के निकालेंगे ऐसे ही हम नाइन मंथ्स का निकालेंगे देखिए सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स एज पर हंड्रेड परसेंट कितना जाएगा 45,000 यूनिट्स बट नाइन मंथ्स के लिए कितने कैपेसिटी भी काम कर रही है वो 80 परसेंट दैट मीन्स कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी वो फैक्ट्री 36,000 यूनिट्स सो so, अब हम जो भी डाटा निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ पर एज पर थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स डैट्स एट तो अब हमें पता चल गया कितने, कितने कितने यूनिट्स कितने कितने मंथ्स में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है बस हम सिंपल क्वेश्चन बन गया अब आप क्वेश्चन तीन कर सकते हैं देखिए पहले खर्चा कौन सा देखिए मटेरियल कितना खर्चा हो रहा था देखिए रुपीज़ थ्री पर यूनिट सो देट मीन्स सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड देखिए फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ्स के लिए तीन रुपये खर्चा हो रहा था एंड फॉर द रिमेनिंग नाइन मंथ्स थर्टी सिक्स यूनिट्स पर डिज हुई है उस पर खर्चा कितना हो रहा है रुपीज़ थ्री पर यूनिट तो so यहाँ लिखेंगे अब हम ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ जाएगा वन लैख एट थाउजेंड ये हो गया आपका मटेरियल पे खर्चा अब आगे बढ़ेंगे हम डेट लेबर देखिए डेट लेबर पर कितने कितना खर्चा हो रहा है रुपीज टू पर तो सेम से थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व टू सॉरी एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू सो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये फिफ्टीन थाउजेंड एंड यहाँ आ जाएगा आपका सेवनटी टू थाउजेंड तो अभी समेशन कितना जगह पर ये प्राइम कॉस्ट बिकॉज और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है डेट कॉस्ट रिलेटेड कुछ गिवन नहीं है सो टोटल तो हो तो जाएगा आपका थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट वुड बी वन लैख एट्टी थाउजेंड अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या एक गिवन है आपको देखिए साहब अब सारा फैक्ट्री ओवरहेड गिवन होगा <coughs> बिकॉज हमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालना है सो फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले आपको गिवन है आपको फिक्स के बेसिस पे देन हम वेरिएबल के बेसिस पे निकालेंगे एंड देन सेमी वेरिएबल तो देखिए फिक्स में कितना कितना खर्चा हो रहा था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर एनम तो ये तो बहुत सिंपल है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय पहले हम उसको थ्री मंथ्स में कर देंगे इसको दैट वुड बी फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड देन फॉर द रिमेनिंग नाइन मंथ्स द टोटल एक्सपेंसेस इनकर दैट इज वन लैख एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सॉरी वन लैख

ना कम टू द लास्ट पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पूरा क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी जो हम पार्ट कर रहे हैं वो इसी भी बेस्ड है तो हमें इसी को बहुत ध्यान से देखना है <coughs> एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या 50, 000, कि क्या लिखे वर्ल्ड की रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड मैं स्टूडेंट फिल्म से बोल रहा हूँ फिफ्टी थाउजेंड होगा नॉट फाइव थाउजेंड रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पूरे साल में पचास हज़ार रुपये खर्चा हुआ एज सेमी वेरिएबल अब कितनी कैपेसिटी पे फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे देखो पूरे साल तो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी हुआ नहीं है लेकिन खर्चा तो हुआ ठीक है तो अब हम कह रहे हैं यानी कि फिक्स रहे तो इतने से दो एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज कितना खर्चा हुआ टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीजिंग कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ तो देखो किसको कैसे करेंगे हम पहले जो फिफ्टी थाउजेंड सिंपल है पहले उसको हम डिवाइड करेंगे फिक्स एक तरह से तो ये पूरे साल जो है इतना ही खर्चा हुआ सो दिस वुड बी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड दिस वुड बी थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बट नेक्स्ट बोला हुआ है यहाँ से देखिए स्टेटमेंट एक बार एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट देखिए फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी वाला तो कोई खर्चा रहा ही नहीं क्योंकि फिफ्टी परसेंट साहब कहते हैं तीन महीने में बाकी रेवेन्यू कितना रहेगा आपका आपका अगेन फिफ्टी परसेंट मोर है सॉरी एट्टी परसेंट आप यहाँ देखिए सॉरी आप यहाँ देखिए ये तो खर्चा जो है ऑलरेडी हो चुका आप तो थ्री मंथ्स वाला तो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी वाला ठीक है और ये जो खर्चा हुआ अब तक हुआ अप टू फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू कितना रहेगा अब एट्टी परसेंट ठीक है तो देखिए एट्टी परसेंट पर कैसे निकालेंगे रेवेन्यू कितना रहेगा एट्टी परसेंट

एनी ओवर खर्चा कितने मंथ्स पे होगा ओनली फॉर नाइन मंथ्सू अमाउंटिंग रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड सी मैनली आपको जो फोकस करना था वो सिर्फ इसी पॉइंट पे करना था कि ये कैसे आएगा मैं फिर से पीट कर रहा हूँ देखिए ये जो फिफ्टी थाउजेंड जो है वो तो फिक्सड है चाहे तीन महीने पे हो या फिर नाइन महीने नाइन मंथ में ये खर्चा जो है फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड एट फिफ्टी परसेंट कैपैसिटी के बेसिस पे खर्चा हुआ तो वो तो हमने पूरे साल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया कोई दिक्कत नहीं आई बट जो रिमेनिंग है यानी कितना कैपेसिटी है थर्टी परसेंट क्योंकि नाइन मंथ्स में तो एट्टी परसेंट कैपेसिटी काम हुआ है लेकिन रेमनिंग कितना खर्च हुआ ओनली अप टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी रेमेनिंग कितनी कैपेसिटी रहेगी थर्टी परसेंट तो उस पर जब एडिशनल खर्चा होगा कैसा होगा टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी और पार्ट देर ऑफ ठीक है तो पहले पच्चीस परसेंट पे टेन थाउजेंड बाकी रिमेनिंग जो रहेगा पाँच परसेंट उस वो भी टेन थाउजेंड ही होगा बिकॉज तो वहाँ पर हुआ और पार्ट जो तो टोटल कितना का चाहगा ट्वेंटी थाउजेंड बट वो ट्वेंटी थाउजेंड पूरे साल नहीं हुआ वो सिर्फ नाइन मंथ्स के लिए हुआ तो हमने नाइन मंथ में इसको प्रपोर्शन कर दिया नाउ दिस वुड कम टू टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो so, ये 1, 25, 000, 5, 25, so, टोटल लगा आपका वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड दिस वुड बी फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए कितना हो गया दोनों को अगर ऐड करेंगे टोटल सी ओ पी टोटल कितना हो गया ये आपका आ जाएगा सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड देखिए इस बार आपको प्रॉफिट भी क्यों था अमाउंटिंग रुपीज वन लैख वो इतना कमाने जा रहे हैं ठीक है तो सेल्स कितनी हो जाएगी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड्स इट यही तो पूछा था आपसे यही पूछा था आपसे सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस पूछना पर यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना कितना हुआ अच्छा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए कितना सेल प्राइस कितनी है ओवरऑल सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड कितनी यूनिट्स पर्डीज हुई देखिए फर्स्ट फर्स्ट थ्री मंथ so, कितनी यूनिट्स पड़ी थी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फॉर रिमेनिंग नाइन मंथ कितनी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड तो टोटल कितनी यूनिट्स पर्डिस हुई फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड कर देंगे विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज सेवेंटीन पॉइंट टू फोर पर यूनिट नाउ दिस विल बी योर फाइनेंस so this is the last question of this lecture i hope you have understood very well thank you